Uh, dear students, now we are going to study the psychometric content analysis. Uh, this is an, uh, another approach in which we uh, mostly use this kind of approach in psychology. and in this approach, we treat verbal uh, communication as a content. and if we talk about the uh, types of uh, this type of content analysis, there are two types, uh, clinical content analysis and thematic content analysis.

वो ये डिसाइड करते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है क्या इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है uh, जैसे कि हम एंजाइटी की बात करते हैं डिप्रेशन की बात करते हैं टेंशन की बात करते हैं तो वो इनको डाइग्नोज uh, करते हैं थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन यानी वो इस पेशेंट से बात करते हैं और उस पेशेंट से बात करने के बाद वो ये असेस कर रहे होते हैं कि ये किस किस्म के जहनी मसले का शिकार है एंड द गोल इज़ टू एन्फर फ्राम वर्बल मैसेज टू इन इंडिविजुअल्स क्लिनिकल साइकैट्रिक स्टेटस इसमें वो जो कम्युनिकेट uh, कर रहे होते हैं रिस्पॉन्डेंट से उसकी uh, जो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स हो रहे होते हैं उसको स्टडी कर रहे होते हैं कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और उन अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त उसका बिहेवियर कैसा है

वो जो है ये असेस कर लेते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है आ जो दूसरी टाइप है आ, आ, वो है थमेटिक कंटेंट एनालिसिस एंड थमेटिक कंटेंट अनालस मज़ साइकोलॉजिकल ट्रेड और स्टेट थ्रू मैसेज एनालिसिस इसमें हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं एक ट्रेड की बात करते हैं जैसे कि आप अगर किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी कम्युनिकेशन से उसके मैसेज से आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है उसकी सेल्फ इस्टीम कैसी है उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है तो ये बेसिकली ये जो टाइप ऑफ कंटेंट एनालिसिस है ये ड्राइवड हुई है अप्रिसप्शन टेस्ट से जो कि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसी बेसिस पे ये कंटेंट एनालिसिस की टाइप डेवलप हुई है जो कि बेसिकली यूज़ होती है किसी साइकिल ट्रेड को देखने के लिए अमंग द इंडिविजुअल्स